हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार, मैं आप लोगों के स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेकर के आया हूं, जो दोस्तों आप लोगों को ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आप लोग पूरा पूरा जुड़े रहे और पूरा पूरा देखिए। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में होता है। विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में होता है। दोस्तों जितना भी बदलने वाला है, कौन ऊर्जा से कौन ऊर्जा में बदलता है, इसका वीडियो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग अवश्य उन्हें पूरा पूरा देख लीजिएगा। तो आप लोगों को फिक्स किया जाता है इसे एक नंबर। तो अब अगला है विद्युत बल्ब पर। देखिए विद्युत बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट अंकित है। तो इस कहेगा कि इससे प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, यानी कि I बराबर क्या होगा? तो फॉर्मूला याद रखिएगा, P बराबर क्या रखेगा, P बराबर V इंटू I। और हम लोगों को क्या निकालना है, विद्युत धारा। तो I यहां लिख देंगे तो V इधर गुना में है, तो इधर क्या चला आएगा, भाग में। तो हम लोग जानते हैं कि P का मान दे दिया है 100 वाट। देखिए P का मान दे दिया है 100, समझ रहे हैं ना, और ठीक है, और विभव का मान दे दिया है 220। तो एक जीरो से एक जीरो, ये 5 दा में कटेगा तो ये 11 दा में कटेगा, यानी 5/11 एम्पियर, 5/11 एम्पियर। पास समझ रहे हैं, फटाफट समझिए। अब नेक्स्ट देखिए, सौर ऊर्जा की एक विशेषता है तो नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा की एक विशेषता है तो नवीकरणीय ऊर्जा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। बात एकदम समझिएगा और ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध कैसे आता है। देखिए भी समानुपाती आई होता है, विद्युत धारा जो है उसके विभव के, उस परिपथ के विभव के समानुपाती होता है, या भी बराबर, या भी बराबर आई आर। तो आर एक नियतांक है जिससे हम लोग परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ रहे हैं, यही ओम का नियम है, या ये कहिए दोनों है। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे की ओर देखिए। विद्युत धारा के किस प्रभाव से बिजली घंटी कार्य करती है, तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव से। विद्युत धारा के किस प्रभाव से बिजली घंटी कार्य करती है, तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव से। किकरा से, तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव से। अब आगे देखिए, नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। सोने की शुद्धता की माप किस रूप में की जाती है, तो कैरेट द्वारा ना, 22 कैरेट 24 कैरेट, समझ रहे हैं ना, 22 कैरेट 24 कैरेट इस प्रकार से आता है। अरे प्योर सोना पहनिएगा ना, तो गर्मी के दिन में जो है ना, से नाक में पहनिएगा तो गल करके एकदम धरती धर लेगा, समझ रहे हैं ना। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, तो CnH2n-2। ठीक है, मैं सारे जितने भी है उसका सूत्र मैं आप लोगों को दे देता हूं। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूं कि इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दो वीडियोज डालूंगा, जो आप लोग उसके लिंक पर जाकर के अवश्य देखिएगा। उसमें आप लोगों को रहेगा कार्बनिक यौगिकों का नामकरण और ऊर्जा का रूपांतरण। बात समझ रहे हैं, दो रहेगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि देखिए CnH2n आप प्लस टू रहे तो इसको हम लोग कहते हैं एल्केन। अगर CnH2n प्लस वन रहता है तो इसको हम लोग कहते हैं एल्काइल। अगर CnH2n रहता है तो इसको हम लोग कहते हैं एल्कीन। अगर CnH2n सीधे -2 लग जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं एल्क में आइन, एल्काइन। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, मुझे फुल्ली विश्वास है। CnH2n किस हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है, तो मैं बताया था ना, CnH2n किसका है, तो एल्कीन का, एल्कीन का है, किसका है, एल्कीन का है। बात एकदम क्लियर हो रहा है आप लोगों को, समझ रहे हैं ना। चाकू की सहायता से किस धातु को काटा जाता है, तो भाई लोग आप लोग तो समझ ही रहे हैं क्या होगा, सोडियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोडियम। चाकू की सहायता से किस धातु को काटा जाता है, तो सोडियम धातु को, एकदम करेक्ट। और जानते हैं ना इसको कहाँ रखा जाता है, आप लोग एकदम परफेक्ट जानते होइएगा। चलिए वन संरक्षण के लिए एक सुझाव बताइए, तो वृक्षारोपण। कैसे वन संरक्षण होगा, वृक्षारोपण से ना, कि काटे से, रोपने से। अब कह रहा है पौधे, सुन रहे हैं ना, पौधे हरे क्यों होते हैं, तो क्लोरोफिल
या हरे वर्ण, मतलब क्लोरोफिल को हम लोग हिंदी में कहते हैं हरे वर्ण, क्या कहते हैं हरे वर्ण। चलिए आगे बढ़ देते हैं, अब हम लोगों को लास्ट लास्ट की ओर आ चुके हैं, कुछ मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा इसमें कुछ खास बात। परागकण से आप क्या समझते हैं, तो हम लोग परागकण से क्या समझते हैं, तो पौधों में पराग कोष में बढ़ती काग्र का परागकणों के स्थानांतरण को परागकण कहते हैं। मतलब पौधा में जो होता है पराग कोष, ओकरे में जो बढ़ती काग्र तक परागकणों के स्थानांतरण होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं परागण। क्या कहते हैं? परागण। अब देखिए, देख रहे हैं ना, मछली किस अंग द्वारा श्वसन करती है, तो गिल्स द्वारा। किसके द्वारा? तो गिल्स द्वारा। पौधों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, तो जल तो जड़ से जाएगा, जल कहां से जाएगा, तो जाइलम ऊतक द्वारा, मतलब जड़ द्वारा, समझ रहे ना। अब प्रकाश संश्लेषण कहे तो फ्लोएम द्वारा, मतलब पत्ता द्वारा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो काल्पनिक होता है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि क्वेश्चन कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है सो मैं बताता हूं आप लोगों को, आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। फफरिंग मारता है, देखिए क्या है सो। तो हम आप लोगों को मैं कह रहा था कि अगर f बराबर m इंटू ए है, समझ रहे ना, m इंटू ए है, तो हम लोग जानते हैं कि बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, हम लोग जानते हैं। लेकिन द्रव्यमान हो गया, ये त्वरण हो गया, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक होता है केजी, और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड। इसी को हम लोग एक न्यूटन के बराबर लिखते हैं, समझ रहे हैं। और एक में एक और इसमें एक बात है लॉजिक वाला, कि क्या है लॉजिक वाला बात, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसमें एक न्यूटन बराबर इतना आया है। तो अगर हम लोग जानते हैं एक बात कि आई बराबर आवेग होता है, क्या होता है? आवेग। तो आवेग, आवेग, आवेग को हम लोग आई से व्यक्त करते हैं, बराबर होता है एफ इंटू टी, एफ इंटू टी, क्या होता है? एफ इंटू टी। तो एफ इंटू टी तो बराबर में देखिए ध्यान से कि बल गुने समय है, तो हम उसको आवेग कहे हैं। तो बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? केजी, मीटर प्रति सेकेंड, आ इंटू सेकेंड, इंटू सेकेंड। तो यह सेकेंड से यह सेकेंड कट गया, तो बच गया कथी, तो केजी मीटर, ठीक है। अब आगे की ओर हम लोग देखते हैं एक और फॉर्मूला, संवेग का होता है पी, जिसको हम लोग कहते हैं संवेग। संवेग बराबर होता है एम इंटू वी। तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रक केजी होता है, वेग का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो केजी होता है मीटर प्रति, सॉरी 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 सॉरी, इसमें द्रव्यमान गुने वेग होता है, ठीक है। इसमें जो है यहां पर गड़बड़ हो गया, यहां पर सेकेंड स्क्वायर होता और यहां पर सेकेंड रह जाता, एगो से एगो कटता तो एगो रह जाता प्रति सेकेंड, बात समझ रहे हैं। अब यहां पर देखिए, इसका हो गया केजी, इसका हो गया मीटर पर सेकेंड। तो आवेग का और संवेग का ऐसा मात्रक बराबर होता है, समझ रहे हैं, एकदम करेक्टली समझ रहे हैं ना। और हम लोग जानते हैं कि बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, और समय का सेकेंड होता है तो न्यूटन सेकेंड। तो इसे भी हम लोग कह सकते हैं संवेग का ऐसा मात्रक भी न्यूटन सेकेंड। अब बीमा कैसे निकालेंगे सो देखिए, केजी का हम लोग कहते हैं मास, तो एम हो गया, लंबाई के ऐसा मात्रक मीटर होता है तो लेंथ हो गया, अब बटा में सेकेंड है ना, तो टाइम तो टी हो गया, अब बटा में है तो ऊपर में जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, ये बीमा हो गया, किसका हो गया,
तो बल का बीमा हो गया। बात समझ रहे हैं। अब हम लोग निकालेंगे आवेग का, तो इसका देखिए आवेग का केजी का हो गया मास, द्रव्यमान के साथ रख केजी तो एम हो गया, लंबाई के दूरी यानी कि लेंथ हो गया, और समय नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं केजी का एम दूरी के मीटर यानी कि लेंथ और टी के पावर माइनस वन, यही बीमा निकल गया। अगर आप लोगों को इस इतना समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग अवश्य कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि हमको दिक्कत हो गया है, ठीक है। नहीं दिक्कत हुआ है तो दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इतना ही पर, जय हिंद जय भारत।